गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा सफ़र है बरेली टू जयपुर। क्राउड आपके सामने ही है भाई, समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन मैं ही सफ़र करता हूँ क्या उसी दिन पूरा मतलब पूरी बरेली निकल गई है सफ़र करने के। कितने लोग खड़े हैं अब इसको देख के मुझे बहुत टेंशन हो रहा है कि ट्रेन में क्या होने वाला है। तो अभी क्या यहाँ एक लड़की को रिकॉर्ड करने वाला था, गिर गई थी वो ट्रेन के नीचे आने वाली थी। अब देख रहे हो कैसे धक्कम धक्की करके चढ़ रहे हैं लोग जनरल के अंदर। फिर शुक्र है हमारे स्लीपर में टिकट हम चलते हैं ट्रेन के अंदर और यहाँ से निकलते हैं। अगर आप पहली बार आते हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और ये हमारा सफ़र यहाँ से हो गया शुरू, तो चल दिए हम। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आराम से हमारा सफ़र हो जाए, हमको ज़्यादा परेशानियाँ ना हो यहाँ पर। यहाँ पर मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि टीटी ने भाग कर रखी है, बिना टिकट के बंदे चढ़े हुए थे यहाँ पर और कोशिश कर रहे थे कुछ पैसे से ले देंगे अपना निकाल ले, पर आगे पता नहीं क्या हुआ क्योंकि वो वहाँ से निकल गए थे उनको लेकर के। और हम धीरे धीरे दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मैमो के साथ में हमारी रेस हो रही है, मतलब रेस तो क्या धीरे धीरे चल ही रही है, फिर भी हमारी गाड़ी उनसे आगे निकल गई है। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मुझे मिला ट्रेन के अंदर कि हाँ भाई चलो कोई रेसिंग वगैरह हो रही चले। तो अब आगे चलेंगे धीरे धीरे और इस सफ़र को फटाफट हम चाहते हैं पूरा करें और फटाफट अपने घर पर पहुँचे, क्योंकि ट्रेन का सफ़र है ना अच्छा भी होता है और थका भी देता है। दिल्ली कुछ थोड़ी देर में गाड़ी पहुँच जाएगी। यमुना जी हैं, एक टाइम था पहले यमुना जी के अंदर लोग सिक्के वगैरह फेंकते थे, पर आजकल ये जगह गंदगी फेंकते हैं। तो चलिए इस सफ़र को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, देखता हूँ कि भाई अब कुछ आगे कुछ वैसा था नहीं जो आपको दिखाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑल पे सेट करना, कमेंट ज़रूर करना दोस्तों कि वीडियो में आपको क्या अच्छा मिला मैं देखने के लिए। ओके बाय।